इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और नेचर के सबसे करीब, ये है मेघालय। एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में एक खूबसूरत वाटरफॉल है। बस ऐसी ही एक जगह है मेघालय की इन खूबसूरत खासी हिल्स में, जिसका नाम है चेरापूंजी। अक्सर बादलों से घिरा रहने वाला ये विलेज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में आता है, क्योंकि यहाँ हर साल 36 फीट से भी ज्यादा बारिश होती है। और ऐसे यूनिक मौसम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर एक यूनिक सी बिल्डिंग भी है। ये फुटबॉल की शेप की बिल्डिंग है मेटेरोलॉजिकल स्टेशन, जो यहाँ के वेदर की रिसर्च के लिए बना हुआ है। चेरापूंजी को एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं ऐसी बस रोड से जा रहा था और ये एक वाटरफॉल मिल गया, और ऐसे ही पता नहीं आपको कितने सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे ना, जिनका कोई नाम है ना कोई ऐसे कोई टूरिस्ट स्पॉट है, कुछ भी नहीं है। और कितना ब्यूटीफुल और कितना रिलैक्सिंग सा होता है, मतलब ऐसे छोटा सा वाटरफॉल मिल जाए। चेरापूंजी खासी हिल्स के एक प्लेट्यू पर लोकेटेड है, और इस वजह से ये दिखने में एक प्लेन एरिया जैसा ही लगता है। पर ऐसे दिखने के बाद भी ये 4,600 फीट की हाइट पर है, और आपको इसकी हाइट की एक एक फीट का एहसास इस जगह पर आकर हो जाएगा। ओह माय गॉड, बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसी जगहें होती भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कहीं तक भी देख सकते हैं हम, मतलब कोई एंड ही नहीं है उसका। मतलब अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे थोड़ी सी धूप निकल रही है, वहाँ पे बारिश हो रही है। तो बहुत ही क्रेजी है। और ये सारे मतलब कुछ रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स बनी हुई हैं यहाँ आके। मतलब ये जो भी खासी हिल्स का पहाड़ है, ये पहाड़ यहाँ पे आके ख़त्म हो रहे हैं, और इससे आगे मतलब बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है और प्लेन एरिया भी स्टार्ट हो जाता है। इससे आगे पूरा प्लेन है, फिर सी है, सीधे बे ऑफ बंगाल। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है उससे मेरी तरह आप भी बस देखते रह जाएंगे। चेरापूंजी के पास ही है एक और विलेज तायरना, जहाँ मुझे मेरा अब तक का देखा सबसे खूबसूरत ब्रिज दिखने वाला था। और इस छोटे से विलेज से ही उस ब्रिज का रास्ता शुरू होता है। हेलो हेलो खुबलाई, हेलो हेलो, स्माइल। थैंक यू। यहाँ के कुछ लोगों से मिलने के बाद मैंने इस ब्रिज का ट्रैक शुरू किया, और उस ब्रिज तक जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको 10-12 नहीं बल्कि 3,500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अभी मैंने डबल डेकर रूट ब्रिज का ट्रैक स्टार्ट किया, और अभी इतनी हालत खराब हो गई है, अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे ऐसे स्टीप स्टीप स्टेप से पूरे ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे विलेज में नीचे लोग रहते हैं उनको भी डेली ये सारे स्टेप्स अप डाउन चढ़ के ही अपने सारी चीज़ें लानी होती हैं, जो भी उनको खाने वगैरह की चीज़ चाहिए होती है, या फिर बच्चे स्कूल भी इसी वाले रास्ते से जाते हैं डेली,
डेली वो अप डाउन करते हैं इस वाले ट्रैक को, जो भी हमसे तो बहुत ही मुश्किल है। हेलो, आप रोज करते हैं डेली अप एंड डाउन? डेली अप एंड डाउन? ओके, और कुछ देर बाद आया हमारे रास्ते का पहला लिविंग रूट ब्रिज। जी हाँ, लिविंग रूट ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज सच में जिंदा है। ये ब्रिज बना है इन्हीं पेड़ों की रूट्स यानी जड़ों से, और जिस पेड़ की ये रूट्स हैं वो है ये रबर ट्री। और बहुत ही ज्यादा मतलब चलने में तो ऐसा बहुत रिस्की लग रहा है, पर ये कम्प्लीटली एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है इसको क्रॉस करना। अभी ये देख रहे हो आप, जैसे ये नीचे लकड़ी के प्लैंक्स, कुछ लकड़ी के फट्टे लगाए हुए हैं, और ये सारे ये जो भी मटेरियल है सारी पेड़ की रूट्स हैं, और कुछ कुछ कहीं कहीं मतलब यहाँ पे इन्होंने बैम्बू भी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे बैम्बू यूज़ किया हुआ है ये सब। बाकी ये सारी टोटली रूट्स हैं, कम्प्लीटली लिविंग है और कम्प्लीटली नेचुरल ब्रिज है। इस ब्रिज को यहीं के गाँव में रहने वाले लोगों ने बनाया है, जंगलों के बीच बहती इन नदियों को पार करने के लिए। भले ही अभी रिवर में पानी कम दिख रहा है, पर मॉनसून के टाइम पर यह ब्रिज नदी के पानी से बस कुछ फीट ही दूर रह जाता है, और नदी के इस बदलते लेवल की वजह से ही इन लोगों को एक ऐसा ब्रिज बनाना पड़ा जिसमें दो फ्लोर्स हैं, जो अभी आगे रास्ते में आने वाला है। और उस ब्रिज तक पहुंचने के लिए हमें दो और ब्रिज क्रॉस करने पड़ेंगे, और इनमें से एक ब्रिज तो बस एक फुट ही चौड़ा है। ओह भाई, ये तो ज़्यादा रिस्की लग रहा है मुझे लिविंग रूट ब्रिज से ऐसे शेक कर रहा है, पूरा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये, और इस पे एक टाइम पे एक ही बंदा आ सकता है बस। 3,500 सीढ़ियाँ और दो ब्रिज पार करके फाइनली आया डबल डेकर ब्रिज। डबल डेक वाला यह ब्रिज पहले बस सिंगल डेक ही था, पर कभी कभी नदी का लेवल बढ़ने पर नीचे वाला ब्रिज टूट जाता था, तो इन लोगों ने इसी ब्रिज पर एक और ब्रिज बना दिया जिससे अभी हर मौसम में नदी पार कर सकते हैं। यह ब्रिज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बायो इंजीनियरिंग का, जिसको यहाँ की खासी कम्युनिटी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, क्योंकि कई सौ साल पहले इस ब्रिज को इन लोगों ने सिर्फ इस पतली सी रूट से शुरू किया था। रिवर के दोनों साइड दो पेड़ों के बीच में पहले ये कुछ बैम्बो को लगाते हैं, उसके बाद इन छोटी रूट्स को इन बैम्बो से सपोर्ट दिया जाता है। We have to pull bamboo from here to that side, and then we have to take this root, no? and put inside the bamboo, but this root will follow from here to that side, and then no need to do anything after 10 years will be stronger. जिससे ये रूट्स कुछ सालों बाद लंबी होकर आपस में बंध जाती हैं, और ऐसे ही कई सालों तक इन हजारों रूट्स को बांधने के बाद बनता है ये लिविंग रूट ब्रिज, जो अभी भी हर गुजरते साल के साथ बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों के साथ साथ ये ब्रिज रिवर क्रॉस करने में कई जानवरों को भी हेल्प करता है, और इतना ही नहीं बल्कि ये ब्रिज बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे ये कई प्लांट्स और स्पीशीज का अब घर बन चुका है। बहुत सालों में जाके बना है ये वाला ब्रिज, मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, एक साल की बात नहीं है, कई साल लगे हैं तब जाके
ये ब्रिज बन पाया है। और ऐसे अब थर्ड डेक भी इसमें ऐड कर रहे हैं, ये थर्ड वाला डेक जब ऐड हो जाएगा तो ये ट्रिपल डेकर ब्रिज हो जाएगा, शायद अकेला ही ट्रिपल डेकर ब्रिज होगा पूरे वर्ल्ड में। और ये अभी और 20-25 साल लगेंगे अभी, और ये ऑलरेडी मतलब दिख रहा है तब भी से इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा इस टाइम लगता है इस लेवल की इंजीनियरिंग या इस लेवल के ब्रिजेस को बनाने में, और लोकल्स यहाँ इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो इस तरह के इन्वेंशन के साथ आए। जहाँ भी पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, वहाँ इन लोगों ने कई साल पहले ही एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो नेचर को नुकसान पहुँचाए बिना ही नहीं बल्कि नेचर से मिलकर भी रह सकता है। इस विलेज से अलविदा लेकर मैं चला फिर चेरापूंजी के कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने। और चेरापूंजी में सच में इतने वाटरफॉल्स हैं कि अगर आप कई दिनों के लिए भी यहाँ आए तब भी सारे वाटरफॉल्स आप शायद ही देख पाएंगे। और इनमें से ही एक वाटरफॉल तक आपको बादलों से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है नौकालिकाई फॉल्स। जिसका व्यू देखते ही आप एक अलग दुनिया में खो जाते हो। ये वाटरफॉल इतनी हाइट पर है कि ये अक्सर बादलों में ही रहता है, और बादलों से इस वाटरफॉल का ये खूबसूरत नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। इस वाटरफॉल का पानी सीधे 1000 फीट से भी ज्यादा की हाइट से नीचे गिर रहा है, और इसी वजह से ये इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल भी है। और इस वाटरफॉल से थोड़ी ही दूर है ये लिंगसर फॉल्स, जो एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप वाटरफॉल है। और इन सब वाटरफॉल्स में से जो चेरापूंजी का सबसे फेमस वाटरफॉल है वो है ये सेवन सिस्टर्स फॉल, जिसमें एक साथ 7 वाटरफॉल्स दिखते हैं। अब तक मेघालय की हमने इतनी सारी नेचर और खूबसूरती से भरी जगहें देखी जिसमें कई सारे विलेजेस थे, पर मेघालय की एक ऐसी सिटी है जो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यह है मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। शिलोंग मेघालय की सबसे बड़ी सिटी है। ये इतनी बड़ी सिटी है कि इसका कुछ पार्ट 5000 फीट की हाइट पर है और कुछ 6500 फीट की हाइट पर। खूबसूरत आर्किटेक्चर और खूबसूरत नजारे, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर हर रोज बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है। पर शिलोंग से सिर्फ कुछ किलोमीटर आगे आप इस चकाचौंध से दूर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में होते हो। ये खूबसूरत जगह है लाइटलुंग कैनियन। इतनी ग्रीनरी आपने शायद ही कहीं और देखी होगी। ये जगह फेमस है अपनी इस सीधी खड़ी खाई की वजह से, और इस पहाड़ी की एज पर खड़ा होना ही अपने आप में एक एडवेंचर है।
यहाँ की खूबसूरती से मैं पहले ही इतना हैरान था कि थोड़ी देर में मुझे पता चला यहाँ के एक हिडन वाटरफॉल के बारे में। लाइटलुम कैनियन से बस कुछ दूर हाइक करते हुए मैंने एक रिवर को फॉलो किया और रिवर के उस पार जो नज़ारा था, खूबसूरत रिवर से बनता हुआ ये वाटरफॉल कुछ ऐसे नज़ारों में से है जिसकी खूबसूरती को बयां कर पाना मुश्किल है। कुछ देर यहां रुककर मुझे ऐसा लगा जैसे नज़ारों ने सपने और हकीकत का फर्क खत्म कर दिया हो। इन खूबसूरत जगहों के अलावा शिलोंग के पास एक बहुत ही सुंदर सी लेक भी है, उमियम लेक। ₹225 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैली ये लेक मेघालय की सबसे बड़ी लेक है और इसी वजह से इसे लोकली बड़ा पानी भी कहा जाता है। ये लेक एक रिजर्वॉयर लेक है जो उमियम रिवर पर डैम बनाने की वजह से बनी है और इसके किनारे पर बैठकर इन खूबसूरत आइलैंड और फॉरेस्ट को देखते देखते वक्त कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेघालय में आके आप नेचर के इतना करीब खुद को महसूस करेंगे, चाहे वो यहाँ की हवा हो, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के पेड़, यहाँ मतलब आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो नेचर से आपका रिश्ता और गहरा कर देगी। हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर किसी विटामिन की कमी है या डेफिशिएंसी है या पानी की कमी है, पर जब आप किसी ऐसी जगह पर आते हैं अपने कंक्रीट के शहरों से दूर, तो समझ आता है कि हम लोग कितना नेचर डेफिशिएंट है। हम नेचर को मदर नेचर तो कहते हैं पर भूल जाते हैं हम इसका ही हिस्सा हैं। तो भला इससे दूर कैसे रह सकते हैं।